पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहीं बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, रेप पीड़िता के घर पहुंचे हैं डीएम और एसएसपी। पीड़ित परिवार से मिलने की जानकारी सामने आई है। मामले में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में और 2 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रेप पीड़िता से मिलने डीएम और एसएसपी पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद लोगों से मुलाकात भी हुई है और रेप पीड़िता के घर पर पहुंचकर तमाम जानकारियां ले रहे हैं। तो यूपी में बढ़ते महिला अपराध को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। बुलंदशहर की घटना पर समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि प्रदेश में बच्चियां जलाई जा रही हैं। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो घटना को अंजाम दे रहे हैं। इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था किस कदर चरमा गई है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रदेश में जंगल राज कायम है। अंतर्गत D11 गैंग के गैंग लीडर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के विरुद्ध 14 एक गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इस संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 99 लाख। मुकेश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुकेश, जिस तरीके से बुलंदशहर में एक बच्ची का रेप हुआ, जिसके बाद ये पूरा मामला इतना आगे बढ़ा और अब डीएम और एसएसपी घर वालों से मिलने के लिए पहुंचे हैं जानकारी लेने के लिए, क्या अपडेट देना चाहेंगे? वो बिल्कुल बता दें, पूरा मामला जिला बुलंदशहर के कोतवाली जहांगीराबाद क्षेत्र का है, जहां एक गैंगरेप पीड़िता को जिंदा जलाया गया, तो वहीं उसकी दिल्ली में मौत हो गई है। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है, तो वहीं डीएम और एसएसपी जिले के जो दोनों ही उच्च अधिकारी हैं, वो पीड़ित परिवार से मिले हैं। उन्होंने पूरी तरीके से सांत्वना भरोसा दिलाया है कि आरोपियों को पूरी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो इस मामले में पूरी तरीके से 5 आरोपी हैं वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, और जो डीएम है वो उन्होंने जो पीड़ित परिवार है उसको पूरी आर्थिक मदद व जो भी सुरक्षा के इंतजाम है पूरी तरीके से करने के आदेश दे दिए गए हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया मनोज।